press the bell icon on the YouTube and never miss another update. क्वेश्चन नंबर 20 दोनों लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है और राइट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड दोनों में क्वेश्चन नंबर 17 में तो ये आंसर लेकर आना है और क्वेश्चन नंबर 20 में 1 प्लस है थीटा मल्टीप्लाई कोसेक ये लेकर आना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर आया होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे आप सॉल्यूशन तो tan थीटा इसको मैं थोड़ा छोटा लिखूं तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan। तो इसको अपन sin और cos में कन्वर्ट करेंगे तो tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है और cos थीटा होता है वो cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। तो ये दोनों फ्रैक्शन में आपको sin cos में चेंज करना है। इसको इस tan को लिख देंगे sin थीटा अपॉन कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा को लिख देंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा को लिख देंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कोस। अब न्यूमरेटर में तो सिंगल फ्रैक्शन है लेकिन डिनोमिनेटर में ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है दोनों तो इनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इस तरह का एलसीएम लेना और क्वेश्चन नंबर कर चुके हैं पीछे तो इसका भी एलसीएम लेना होगा आपको और इसका भी एलसीएम लेना होगा। तो न्यूमरेटर में तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और डिनोमिनेटर के अंदर इसका एलसीएम लेंगे तो 1 और साइन थीटा का जो एलसीएम आएगा वो साइन थीटा आ गया। अपन का इसमें डिवाइड करेंगे साइन का इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन थीटा माइनस इस साइन का डिवाइड साइन में करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई कोस से होगा तो कोस थीटा आगे प्लस न्यूमरेटर वाला सेम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और इस ब्रैकेट का एलसीएम ले लेंगे तो 1 और कोस थीटा का एलसीएम आएगा कोस थीटा हो गया। 1 का इसमें डिवाइड करेंगे कोस थीटा cos थीटा का इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा माइनस cos का डिवाइड करेंगे 1 1 का मल्टीप्लाई sin से करेंगे तो sin थीटा। अब ये डिनोमिनेटर में सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो इसका रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में आ जाएगा उधर इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि डिवाइड में है तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा ये रेसिप्रोकल होगा तो इसका जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये sin थीटा न्यूमरेटर बन गया sin थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा ये इसको लिख दिए यहां पे आगे प्लस ये cos थीटा अपॉन sin थीटा और इसका मल्टीप्लाई होगा ये रेसिप्रोकल होगा तो cos थीटा न्यूमरेटर बन गया cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है यहाँ पे ये पार्ट इतना और ये इधर साइन है वो साइन से मल्टीप्लाई करेगा ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये दोनों डिफरेंट है तो ये मल्टीप्लाई में लग जाएगा इसलिए cos थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा से आगे प्लस cos थीटा का जब cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। अब अगेन ये ऐड हो रहा है तो अपने को एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा लेकिन इस तरह के तीन क्वेश्चन है उन तीनों को अपन को कैसे करना है। यहां पहले वाले में तो sin माइनस cos आ रहा है यहां cos थीटा माइनस sin आ रहा है ये है तो सेम जैसे a माइनस b और दूसरा b माइनस a तो इस a माइनस b को जब आप b माइनस a बनाओ या b माइनस a को आप a माइनस b बनाओ तो b माइनस a से अगर आप ये कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इनसे माइनस कॉमन ले ली थी तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो a माइनस का था वो तो हो गया प्लस का और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस ये दोनों a माइनस b के फॉर्म में आ जाएंगे लेकिन यहाँ इस ब्रैकेट से बाहर माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे
कोस थीटा माइनस साइन थीटा या साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो इस बात वाले को अपने इस साइन थीटा माइनस कोस थीटा में कन्वर्ट कर लें। तो इसका साइन ये पहला पार्ट है वो फ्रैक्शन वो सेम लिख देंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा आगे प्लस। तो इस ब्रैकेट से अपन कॉमन लेंगे वो कॉमन लेंगे माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे तो वो इधर इस साइन थीटा से पहले लग जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में, तो साइन थीटा से पहले लग जाएगा ये माइनस, तो साइन थीटा से पहले ये लग गया माइनस और ये जो साइन पहले नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये कोस थीटा पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आपको क्या करना है कि ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे साइन है वो माइनस का आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है ये दोनों होंगे सेम लेकिन साइन में डिफरेंट होगी, तो उसको आपको कॉमन लेना है यहाँ दोनों में से किसी एक से माइनस। तो यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए। नेक्स्ट लाइन में मैं यहीं पे कर रहा हूँ इसको थोड़ा करेक्शन, आप आगे एक स्टेप और आएगा क्योंकि जगह थोड़ी कम है, इसलिए ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के ये बन जाएगा माइनस। अब अपन इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में ये दोनों पार्ट है वो सेम है इतने, और कोस थीटा और साइन थीटा ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे क्योंकि दोनों में डिफरेंट पार्ट है। इनका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये तो दोनों में कॉमन पार्ट हो गया, और एक जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन थीटा और दूसरा है वो कोस थीटा। अब जब आप इसका इसमें डिवाइड करोगे तो ये पार्ट और कोस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों बचेगा साइन, साइन जब साइन स्क्वायर से करेगा तो साइन क्यूब थीटा हो गया माइनस साइन और साइन माइनस कोस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे डिवाइड करेंगे तो बचेगा कोस, कोस जब कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये कोस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे अलजेब्रे का फॉर्मूला बन गया अगेन, कौन सा फॉर्मूला जो भी पीछे किया था ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये फॉर्मूला। पीछे जो अपने किया था वो प्लस वाला किया था, अब यहाँ पे ये माइनस वाला लग रहा है। तो ए की जगह कौन है यहाँ पे साइन थीटा है, बी की जगह है वो कोस थीटा है, तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ए माइनस बी तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये हो गया ए माइनस बी। अब ये ब्रैकेट ए का स्क्वायर तो ए की जगह कौन है साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, आगे प्लस बी का स्क्वायर तो बी की जगह कौन है कोस तो कोस स्क्वायर थीटा, और आगे प्लस ए बी तो ए की जगह है साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, और इसके अपॉन में सेम साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। अब यहां पे देखिए आप ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों में सेम है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसकी जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप वन लिख के करोगे तो वन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, अदरवाइज जब आपको ये वाला आंसर लेकर आना है तो इस आंसर को लाने के लिए आपको क्योंकि ये तीन है यहाँ पे प्लस में, इस आंसर को लाने के लिए आप इनको जो इसका डिनोमिनेटर है वो तीनों पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको ऐसे करेंगे ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये रिमेनिंग पार्ट पहले लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस। अब अगर आप पूरे को साइन कोस में करके करना चाहते हैं तो फिर आपको राइट हैंड साइड तो साइन कोस में आ ही जाएगी, इसकी जगह वन लिख देंगे, और फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लेने के बाद आपको साइन कोस में कन्वर्ट करके लेफ्ट हैंड साइड जैसा बनाना पड़ेगा। अगर इसी को आप इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इन तीनों के जो
अब कौन में साइन मल्टीप्लाई कॉस है, ये जो डिनोमिनेटर है वो तीनों में अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अपने पास ये आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, अपने को राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड नहीं बनाना पड़ेगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे जैसे अपने पीछे किया था, ए प्लस बी अपॉन सी होता है, तो ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी इस तरह से आप लिख सकते हो। तो यहाँ ये ए प्लस बी प्लस सी अपॉन जैसे डी है तो तीनों के अपॉन में ये डी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा के अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, आगे प्लस कोस स्क्वायर थीटा के जो अपॉन में वहां भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, और प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा के जो अपॉन में है यहां पर भी साइन इंटू में कोस थीटा। अब इस साइन स्क्वायर से इसकी एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी, ये साइन थीटा इसके एक पावर को कैंसिल कर देगा, ये कोस थीटा इसके एक पावर को कैंसिल कर देगा, और ये दोनों ही कैंसिल हो गए हैं। अब देखो यहाँ पे बचेगा क्या कि साइन अपॉन कोस बचेगा, और साइन अपॉन कोस से क्या बन जाएगा, ये टेन थीटा बन जाएगा, और यहाँ बचेगा कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन से बन जाएगा कोट, ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा अपने पास वन। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होगी वो थोड़ा मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी जगह कम है, तो मैं यहाँ स्टार्टिंग से कर देता हूँ। अब अपने पास जो रिमेनिंग पार्ट है ये बच गया है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस वन। देखो साइन अपॉन कोस होता है वो टेन थीटा होता है, प्लस कोस अपॉन साइन होता है वो फोर थीटा होता है, और फिर ये प्लस वन। तो आप इस राइट हैंड साइड के जैसा बनाने के लिए इसको आगे पीछे लिख देंगे, यहाँ पे वन प्लस टेन थीटा प्लस फोर थीटा, तो ये आ जाएगा इसका आर एस। अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें ये आंसर लेकर आना है, तो 20 वाला आंसर लाने के लिए आप इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दीजिए, अदरवाइज इस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह, यानी इसके बाद यहां से इसको अपन आगे जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो करने के लिए यहां तक तो ये सेम रहेगा, तो इसके बाद अपने को क्या करना है, यहां तक तो ये सेम रहेगा, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये आंसर लेकर आना है। ये आंसर लाने के लिए आपको इसमें क्या करना होगा, इसके बाद इस ब्रैकेट की जगह आपको आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो ये वन होता है, तो इसको आप लिख दीजिएगा वन प्लस ये साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। अब यहाँ पे अगर आप 17 नंबर क्वेश्चन करते हो तो ये सेम रखोगे आप साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, अदरवाइज फिर आपको राइट हैंड साइड लेकर के फिर लेफ्ट हैंड साइड बनाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 17 में डायरेक्ट आप राइट हैंड साइड लेना चाहते हो तो इसकी जगह आप एज इट इज रखोगे, इसको वन नहीं बनाओगे, और क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें आपको ये वन बना करके करोगे तो आपको राइट हैंड साइड है वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो वन प्लस साइन इंटू कोस अपॉन साइन इंटू कोस, तो यहाँ पर ये ए प्लस बी अपॉन सी है, तो इन दोनों के जो अपॉन में है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो गया। अब वन अपॉन अपॉन में जब साइन होता है और कोस होता है बन के, तो वन अपॉन साइन होता है वो कोसेक होता है, वन अपॉन कोस होता है वो सेक होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वन अपॉन साइन मल्टीप्लाई वन अपॉन कोस, वन का वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आएगा, प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा वन। अब वन अपॉन साइन होता है वो कोसेक थीटा, वन अपॉन कोस होता है वो सेक थीटा प्लस वन, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 20 था उसका आंसर था। अब ये क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा वन प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा वन प्लस कोट थीटा, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां पे अपने को क्या करना है कि इस टेन और कोट को आपको साइन कोस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये साइन कोस के रेशियो को ला रहे हैं आंसर में,
तो इस टेन को साइन अपॉन कोस लिख देंगे और टू कोस अपॉन साइन लिख देंगे, और इसके बाद अपने को फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ साइन थीटा का ये साइन थीटा, वन प्लस टेन को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, आगे प्लस ये कोस थीटा, वन प्लस कोट थीटा को लिख दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इन दोनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम इनका कोस थीटा आएगा इधर इनका साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा इस ब्रैकेट का एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा, तो कोस थीटा आने के बाद वन का डिवाइड करोगे तो कोस, कोस का मल्टीप्लाई वन से करोगे तो ये कोस थीटा हो जाएगा, प्लस कोस का जब डिवाइड इसमें कोस में करोगे वन, वन का मल्टीप्लाई साइन से करोगे तो ये साइन थीटा हो गया, आगे प्लस ये कोस थीटा, और इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा, वन का डिवाइड करोगे तो साइन, साइन का मल्टीप्लाई वन से करोगे तो साइन थीटा, प्लस साइन का एलसीएम डिवाइड करोगे वन, वन का मल्टीप्लाई कोस से करोगे तो कोस थीटा। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, हम कहीं क्या करते हैं साइन इस कोस से कोस कैंसिल कर देते हैं, इधर साइन से साइन, ये ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि प्लस में है, अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो आप कैंसिल कर सकते, ये दोनों अगर कोस होते तो कैंसिल हो सकते, ये दोनों कोस या साइन होते तो ये कैंसिल हो सकते। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो दोनों फ्रैक्शन है इनका दोनों का ये न्यूमरेटर सेम है, देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, इसको आप साइन प्लस कोस लिख सकते, इधर ये साइन प्लस कोस है तो प्लस में है, तो ये सीरीज बड़ा रहने देना चाहिए आप इसमें, इसको साइन प्लस कोस में कन्वर्ट कर दो, फिर साइन थीटा इसको आप लिख दिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और इसके अपॉन में है कोस थीटा, प्लस ये है कोस थीटा, ये साइन प्लस कोस थीटा, और इसके अपॉन में है साइन। अब आप चाहो तो डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हो, अदरवाइज कॉमन लेके करोगे तो थोड़ा सा इजीली हो जाएगा, तो इन दोनों से जो कॉमन है न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये कॉमन आ गया, तो कॉमन आने के बाद यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया, यहाँ से तो बच गया ये साइन थीटा अपॉन में, ये हो गया कोस थीटा प्लस, यहाँ रिमेनिंग पार्ट बच गया कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अगर आप यहाँ डायरेक्ट एलसीएम लेते तो फिर बाद में कॉमन लेना पड़ता है, पहले कॉमन निकाल लिया जिससे एलसीएम लेके थोड़ी छोटी कैलकुलेशन होती है। अब इन दोनों का अपने को एलसीएम लेना होगा अगेन, तो ये वही पार्ट है जो आपने किया था 10 प्लस कोट थीटा वो वाला एलसीएम, तो यहां ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इनका जो एलसीएम आएगा वो साइन मल्टीप्लाई कोस आएगा, कोस का एलसीएम डिवाइड करोगे कोस कैंसिल, साइन बचेगा साइन का मल्टीप्लाई साइन से होगा तो साइन स्क्वायर प्लस साइन का डिवाइड डिनोमिनेटर में करोगे तो साइन कैंसिल, कोस कोस का मल्टीप्लाई कोस से होगा तो कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर अगेन आइडेंटिटी बन गई, ये हो जाएगा वन, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इस वन को मैं नहीं लिख रहा हूं अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। अब देखो आंसर में अपने पास प्लस में आ रहा है तो ये वही पैटर्न हो गया a प्लस बी अपॉन में c, इस डिनोमिनेटर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो साइन थीटा के अपॉन में भी साइन मल्टीप्लाई कोस, और प्लस कोस थीटा के अपॉन में भी साइन इंटू कोस थीटा, अदरवाइज फिर आपको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी बना सकते हो, तो यहां पे इस साइन से ये साइन कैंसिल हो गया और कोस से ये कोस कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट बच गया वन अपॉन कोस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा, तो वन अपॉन कोस थीटा होता है वो सेक थीटा होता है, और वन अपॉन साइन होता है वो कोसेक थीटा होता है, तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये आंसर। तो इसमें जो भी आप आइडेंटिटी लगाओ आगे ब्रेक में आपको जरूर लिखने हैं, अभी मैं थोड़ा क्वेश्चन करेंगे 19 नंबर, तो 19 नंबर क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड मैंने अभी उतार लिया। अब इसका आंसर लेकर आना है अपने को सेक थीटा, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये सोचेंगे फर्स्ट और सेकंड से साइन कॉमन आ रहा है, तो साइन कॉमन लेने के बाद यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो नहीं क्रिएट हो, लेकिन जब फर्स्ट और थर्ड इन दोनों को आप अगर पास पास रखते हो तो इससे एक आइडेंटिटीज क्रिएट हो जाएगी, तो कौन सी क्रिएट होगी वो कॉमन लेने के बाद में बताऊंगा, तो फर्स्ट और थर्ड जो है तो साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, ये थर्ड वाले को आप सेकंड पोजीशन पे लिख लीजिएगा,
कोस क्यूब थीटा प्लस इसको लास्ट में टेन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब यहां इन दोनों से अगर आप कोस कॉमन ले लेते हो तो आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट वाली को। तो साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस और प्लस कोस क्यूब से इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कोस थीटा है, तो वो कॉमन आ गया इसका। तो यहां बचेगा ये कोस कॉमन आ गया, बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कोस क्यूब है इससे एक कोस कॉमन आ गया था, तो यहाँ पे रिमेनिंग बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस इस टेन थीटा को आप लिख दीजिएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन। अब देखो यहाँ ये आइडेंटिटी बन गई फर्स्ट वाले को, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है वन होता है, तो इसकी जगह वन लिख करके आप इसको हटा दीजिएगा कोस थीटा, ये वन लिखने के बाद ये रिमूव हो जाएगा प्लस साइन का मल्टीप्लाई साइन से होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया और अपॉन में कोस थीटा। अब ये दोनों अगेन एड हो रहा है इनका, तो अगेन एलसीएम लेंगे इनका वन और कोस थीटा का, तो एलसीएम आएगा वो कोस थीटा आएगा, वन का डिवाइड करोगे तो कोस थीटा का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर कोस थीटा से होगा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का डिवाइड कोस में करेंगे तो वन, वन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अगेन वही आइडेंटिटी फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है अपॉन में कोस थीटा, वन अपॉन कोस थीटा क्या होता है sec थीटा होता है, ये इसका आरएचएस आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। साइन ए प्लस कोस ए के का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस sec के का होल स्क्वायर और इसका आंसर लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर है, ये ए में भी पूछ सकता है और थीटा में भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो थीटा में पूछेगा तो आपको थीटा लगा लगा देना है, कईयों की ये दिक्कत होती है ये भी पूछेगा तो ऐसे ही करेंगे, अगर थीटा में आ गया तो उनका वो रट्टा मारा हुआ है वो नहीं लिख पाएंगे सही तरीके से। तो ए में है तो यहाँ पे कई जैसे कुछ को साइन में चेंज करके और यहाँ से को कोस में चेंज करके करें तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लिखानी है क्योंकि कुछ क्वेश्चन वो स्पेशल ट्रिक से ही होते हैं, इसे क्या है शॉर्ट मेथड होता है, तो यहाँ पे क्या ट्रिक अप्लाई होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगाना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ये वाला लगाएंगे इन दोनों ब्रैकेट में, a की जगह है साइन स्क्वायर a प्लस b की जगह b स्क्वायर है तो b की जगह cos cos a स्क्वायर a प्लस टू ए बी, तो टू मल्टीप्लाई साइन a मल्टीप्लाई cos a a, तो ये तो इस पहले ब्रेक की जगह हो गया इतना, आगे प्लस में आप चाहते हैं ब्रेक भी लगा सकते हो आगे प्लस में कोस ए प्लस सेक का करेंगे तो ये सेम एलजेब्रिक फॉर्मूला लगेगा, तो कोस स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर ए प्लस टू ए बी करेंगे तो टू कोस ए मल्टीप्लाई सेक ए, तो ये लग जाएगा सेकंड वाले ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ पे प्लस में है तो आगे वाले साइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो किन किन टर्म्स को अपन पास में लिख करके और आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे, देखो साइन स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर अगर आप पास लिख लो तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी बन जाएगी ये वाली, उसके बाद आंसर में टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर में आ रहा है तो यहाँ पर अपने पास टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर नहीं है, लेकिन कोसेक स्क्वायर जो होता है ना ये कोसेक स्क्वायर है वो कोट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो सेक स्क्वायर है वो ये टेन स्क्वायर सेकंड आइडेंटिटी से कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको इन दोनों की जगह यानी ये तीनों आइडेंटिटी इस क्वेश्चन नंबर 21 में अप्लाई हो। यहाँ पे जो साइन ए इंटू कोसेक ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कोस और सेक का वन हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन में अगर कोसेक को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन इस sec को लिख सकते हो वन अपॉन cos से ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसका 2 इनटू 1 भी लिख सकते हो, तो मैं इस फर्स्ट और जो यहाँ पे cos उसके है इन दोनों को पास पास लिख लूंगा ताकि आइडेंटिटी बन जाएगी अपने पास, अदरवाइज आप एक साथ ही लास्ट में आइडेंटिटी लगा सकते हो, अभी इसको sin स्क्वायर a प्लस ये cos स्क्वायर a पास पास लिख दिया, इस cosec स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे
ये थर्ड नंबर आइडेंटिटी 1 + 4² ए लिख दिया, अब ये हो गया 2 × साइन ए इंटू कोसेक, को आप ऐसे लिख सकते हो 1/4 साइन ए लिख दिया प्लस ये कोस स्क्वायर अपन आगे लिख दिया। अब ये जो सेक स्क्वायर है इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 + tan² प्लस 2 × cos A इंटू सेक की जगह क्या लिख देंगे 1/cos A। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो गए हैं वो पार्ट इस साइन से, ये साइन कैंसिल हो गया, ये कोस से कोस कैंसिल हो गया, अब बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको लिख देंगे, तो ये 1 बना लेंगे क्योंकि फर्स्ट आइडेंटिटीज है, इसका आंसर 1 होता है, प्लस ये 1 और आगे प्लस का कोट स्क्वायर प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ से 2 प्लस आगे ये 1 प्लस ये 10 स्क्वायर प्लस ये 2 × 1 हो गया 2। आप इनको ऐड करेंगे तो 1 और 1 2 और 2 4 5 और 2 7, तो ये हो गया 7 + 10² + 4² तो ये राइट हैंड साइड आ रही है, तो ये थैंक्स प्रूफ। तो इस तरह से अपने दो क्वेश्चन